हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के बीच जी। आपके साथ यहाँ पर मैं प्रेजेंट हूँ। अभी जो रिसेंटली 21 जुलाई को एग्ज़ाम हेल्ड करवाया गया है पालमपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा, JOA एग्ज़ाम था ये, CSKHPU पालमपुर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है ये। ये सीरीज़ बी है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगी। वैसे आपने देख ही लिया होगा क्योंकि सभी ने अपलोड कर दी है इसकी आंसर की, बट मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने खुद फाइंड आउट किए आंसर्स। तो यहाँ पर हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू सेंड ईमेल। तो ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया जाता है यूज़, तो उपयोग किया जाता है, तो ये इसका ऑप्शन डी होगा, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज टू सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल बिटवीन ईमेल एंड ईमेल क्लाइंट एंड सर्वेंट्स। आगे हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा गया है आपके पास कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PNG। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा डी हमारे पास, पोर्टेबल नेटवर्क डिवाइस ग्राफिक्स। एंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो एक्टिव डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+F4। आपके पास यहाँ आंसर ए रहेगा, Ctrl+F4। नेक्स्ट है इन, यहाँ से आगे देखिए, इन MS Excel विच टू की मस्ट बी प्रेजेंट टू एंटर मल्टीपल लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट इन वन सेल। MS Excel में एक सेल में पाठ की गई कई पंक्तियों को दर्ज करने के लिए किन दो कुंजियों को दबाया जाना चाहिए। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए होगा, Alt+Enter। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं, यूनिक्स, एंड्रॉयड एंड लिनक्स। बट हमारे पास जो फोर्थ है जावा, ये एक लैंग्वेज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका आंसर होगा सही। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द डाटा सेट। तो हमारे पास ऑप्शन ई रहेगा, डाटा सेट फाइल को कहा जाता है। आगे हमारे पास द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट प्रिंट एफ, ये आपके पास है प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन हमारे पास ए है। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8th हमारे पास, प्रेस डैश टू ओपन द हाफ विंडो इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। बहुत ही सिंपल है, F1 को प्रेस किया जाता है अगर हमें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। आगे द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, जिसकी विथ होती है हमारे पास, पेज साइज होता है 85 इंच बाय 11 इंच। आ गया हमारे पास 10th क्वेश्चन, फंक्शंस इन MS Excel मस्ट वीगन भी। तो ये सभी को पता होना चाहिए, इक्वल के बिना कोई भी फंक्शन स्टार्ट नहीं होता है अगर इक्वल हम पुट ना करें किसी भी फंक्शन के आगे। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी होगा। आगे है 11th क्वेश्चन, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन आर नॉन एज ट्रांजिशन। इसमें ऑप्शन ए रहेगा, इसमें आप मोशन में स्लाइड्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे 12th क्वेश्चन, विच की कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। स्लाइड शो के लिए हम F5 को यूज़ करते हैं पावर पॉइंट में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विच कमांड लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ द करंट डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क। हमारे पास ऑप्शन डी होना होगा इसका, DIR डायरेक्टरी के लिए। आगे है यहाँ पर बताया गया है 14th क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। तो इंटरनेट पर हम IP एड्रेस के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं कंप्यूटर को, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15th, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डिवेलपिंग मल्टीपल मल्टीमीडिया वेब पेजेस। तो या जावा लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी होगा। 16th है द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय द चार्ल्स बैबेज आर वाज कॉल्ड। तो इसमें ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट है हमारे पास 1 MB इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 1 MB हमारे पास होता है 1024 KB के इक्वल। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, डस आर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स टू कंट्रोल डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। तो ये हमारे पास प्रोटोकॉल होता है जो सेट होता है रूल्स और इसका प्रोसीजर का। आगे 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रोसेस केम फर्स्ट। तो हमारे पास ऑप्शन बी होगा, वर्ड स्टार सबसे पहले प्रोसेसर आया था। नेक्स्ट है 20th, विच ऑफ दिस इज नॉट एन MS Office वेब सर्फेस। यहाँ पर कुछ
एरर है, नहीं इसमें हमारे पास ऑप्शन डी होगा। आगे है क्वेश्चन हमारे पास 21st, इसमें पूछा गया है कि कितने रंग डॉट स्क्रीन पर एक रंग पिक्सल बनाते हैं, तो तीन रंग बनाते हैं जो होते हैं रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट का होता है। आगे है WWW, ये आपको सभी को पता होगा, इसमें हमारे पास ऑप्शन डी होगा वर्ल्ड वाइड वेब। एंड 23rd है व्हाट विल बी द शॉर्टकट की इन द विंडो टू परफॉर्म कट ऑपरेशन, तो कंट्रोल प्लस एक्स टू द कट कमांड के लिए होता है, और आप भी सकते हो जो कंट्रोल प्लस बी पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, और कंट्रोल प्लस जेड दिया गया है ये अंडू के लिए होता है, अगर आपने कोई टास्क किया है तो उसको अंडू करना है। 24th अवर्ड इन वेब पेज दैट वन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट, तो इसको हाइपरलिंक कहते हैं, ऑप्शन बी होगा यहाँ से इसका सही आंसर। आगे हमारे पास 25th इन कंप्यूटर्स सब्ट्रैक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाय, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन डी होगा टू इज कम्प्लीमेंट्स। एंड 26th है ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम में है, तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं और जो भी मेंशन किए गए हैं ऊपर। आगे है हमारे पास 28th क्वेश्चन टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स के, रास्टर एंड वेक्टर, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी IP मीन्स क्या होता है, इसका मतलब हमें पता है या इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन बी। डाटा टाइप इंट कंटेन्स, तो कितने कंटेन्स करता है बाइट्स को, 4 बाइट्स को कंटेन करता है। एंड विच एस्केप सीक्वेंस इज यूज फॉर डीप, तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, हैश तुम्हारे पास ए। आगे है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉर्म इन MS Access, तो इसमें हम फॉर्म इन MS Access क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डाटा को, ऐड कर सकते हैं न्यू डाटा, और व्यू वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, ये तीनों ही फंक्शंस हम फॉर्म के द्वारा इन MS Access में देख सकते हैं, तो यहाँ पर ऑल इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 34th आगे विच अमंग दिस इज नॉट जंप स्टेटमेंट, तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो जंप स्टेटमेंट नहीं है, जबकि गो टू कंटिन्यू एंड ब्रेक और रिटर्न स्टेटमेंट होती है एक, ये चारों क्या होते हैं हमारे पास जंप स्टेटमेंट होते हैं, जबकि 4 जंप स्टेटमेंट नहीं है। आगे है प्रिंटर दैट इंप्लॉयज थीम इन इट्स प्रिंट मैकेनिज्म इज कॉल्ड, तो इसे हम कहेंगे लेजर प्रिंटर। आगे हमारे पास MIPS इज एन यूनिट फॉर मेजरिंग, तो ये स्पीड मेजर करता है कंप्यूटर की। और आगे है 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल हमारे पास सी है, रोम रीड ओनली मेमोरी, जबकि रैम हमारी वोलेटाइल होती है, अगर जैसे लाइट स्विच ऑफ होती है तो जो भी डाटा होता है वो इरेज हो जाता है, जबकि रोम में ऐसा नहीं होता। आगे हमारे पास बिट स्टैंड फॉर, तो बिट किसके लिए स्टैंड होता है, बाइनरी डिजिट के लिए स्टैंड करता है, ऑप्शन बी सही होगा 38th का। 39th है हमारे पास प्रोग्राम आइदर शॉक और म्यूजिक दैट इज मेड अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड, तो इसे पॉडकास्ट कहते हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास ब्रॉडकास्ट है, तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो वीडियो वाला होता है, ऑडियो और वीडियो दोनों ही चलते हैं इसमें आते हैं, तो वीडियो वाला होता है जो उसमें ब्रॉडकास्ट होता है, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 40th में पूछा गया है कि डिसीजन जो आपके पास बॉक्स दिया गया है ये रोम्बस ये क्या डिनोट करता है फ्लो चार्ट में, तो ये ऑप्शन ए करता है, डिसीजन के लिए ये यूज़ किया जाता है, जैसे हमारे पास टू क्वांटिटीज़ हैं उनको कंपेयर करना है और इसका कंडीशंस हो गई उसको टेस्ट करने के लिए, कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो रिज़ल्ट होता है वो जैसा ट्रू में आता है। आगे हमारे पास 41 जिसमें है विच इज़ नॉट इन MS Word, तो MS Word में हमारे पास देखें तो होता है इटैलिक फॉन्ट एंड बोल्ड तीनों ही होते हैं, जबकि मैजिक टूल नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, तो हमारे पास ये है जो A, B and C तीनों ही नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, जैसे HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तीनों ही नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स है, जबकि ATP नेटवर्किंग प्रोटोकॉल नहीं है, तो ऑप्शन डी 42 का सही होगा। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द वायरस, तो वायरस की हमारे पास ऑप्शन ए होगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड सीज, तो यहाँ से ऑप्शन ए होगा। आगे है एवरी फॉर्मूला विल स्टार्ट इन MS Excel विद विच सिंबल, तो आपको पता ही है इक्वल टू सिंबल से स्टार्ट होता है प्रत्येक फॉर्मूला MS Excel में। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस इनेबल वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो वेबकैम से किया जाता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज कनेक्ट
करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस तो आप सभी को पता ही होगा, अपनी ईमेल एड्रेस से भी कंपेयर करके आप यहाँ से ऑप्शन देख के आंसर दे सकते थे, तो ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं था, बिल्कुल ही ईजी जैसा एग्ज़ाम आया था ये। 47th है द हेक्साडेसिमल सिस्टम, नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ, तो हमारे पास जो हेक्साडेसिमल है उसका बेस 16 होता है, जबकि बाइनरी का 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, और जो हमारे पास डेसिमल है उनका बेस 10 होता है। 48th है हमारे पास यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूट्स देम इज नोन एज प्रोसेसर कहते हैं उसको, जो कि सीपीयू के थ्रू कार्य करता है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ऑप्शन ए राइट रहेगा 48th का। 49th है टेक्स्ट एडिटर दैट इज़ द पार्ट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इज तो सबसे जो टेक्स्ट एडिटर है सबसे पहले हमारे पास नोट पैड आता है, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन कंट्रोल्स ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम एंड परफॉर्म्स डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन। 51st है हमारे पास कि कंप्यूटर क्या है, तो आप सभी को पता होगा कंप्यूटर क्या है। 50 जो हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, डीवीडी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये होगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन बी सही। आगे है हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स अपॉन, तो ये हमारे पास ऐसे तो उपरोक्त सभी बोले गए हैं यहाँ पर कि ट्रैक्स पर इंचेस ऑफ द सरफेस, डिस्क पर इंचेस ऑफ द सरफेस, बट मेरे ख्याल से सही आंसर होगा बिट्स पर इंचेस ऑफ ट्रैक्स, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा 53 का। अगर किसी को पता है करेक्ट तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है, मैं पिन कर दूंगी वहाँ पे। 54th है हाइब्रिड कंप्यूटर, तो आप सभी को पता है हाइब्रिड कंप्यूटर कम्बिनेशन होता है दोनों का, डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर का, रिजेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, तो ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमारे पास ये जो ऑप्शन बी ए एंड सी जो दिए गए, ये तीनों ही इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल्स हैं, डॉट मैट्रिक्स एंड डेसीपील एंड लाइन प्रिंटर तीनों ही इम्पैक्ट के आपके पास यहाँ पर टाइप्स हैं, जबकि हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, ये हमारे पास नॉन इम्पैक्ट में आता है, ऑप्शन डी पूछा, ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा और पूछा भी यही गया है कि नॉन इम्पैक्ट के बारे में। 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द रैम, तो हमारे पास रैम के टू टाइप्स होते हैं, एस रैम एंड डी रैम, तो हमारे पास ऑप्शन ए होगा यहाँ से स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए, जबकि दूसरा टाइप होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे हमारे पास यहाँ से दोबारा से है मेरे ख्याल से, आगे है क्वेश्चन नंबर 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बायोमेट्रिक इनपुट मैथड, मेट्रिक इनपुट मैथड से आपके पास क्या क्या किया जा सकता है आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन डी यहां से होगा इसका सही आंसर। 58 है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट कहते हैं उसे, एंड द यू आर एल की फुल फॉर्म ये होता है हमारे पास ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। 60 है विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू व्यू वेब पेजेस इज कॉल्ड, तो उसे हम ब्राउजर कहते हैं, ऑप्शन बी होगा यहाँ से इसका सही। यहाँ पर जो टिक लगे हैं ये मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है कहीं से, तो उनके द्वारा लगाए गए हैं, जो मैं बोल रही हूँ वो इसके सही आंसर होंगे, ऑप्शन बी मैंने यहाँ पर भी वैसे मार्क किए हुए हैं जैसे 60 के साथ बी लिखा हुआ है आंसर। आगे है इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी डिड इंडिया प्रेज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन केम अप, तो अभी ये उसका क्वेश्चन है करंट अफेयर का, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा उत्तराखंड होगा इसका सही आंसर। 62 है कि स्कूलों के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स का शुभारंभ निम्न में से किसके द्वारा किया गया, तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो ऑप्शंस दिए गए हैं म्यांमार थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, ये तीनों ही मेंबर्स हैं एशियान के, जबकि इंडिया हमारा मेंबर नहीं है एशियान का, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा इसका आंसर। 64th है कि वेयर इज़ द डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम आइलैंड सिचुएटेड, तो ये उड़ीसा में प्रेजेंट है और ये है बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन सी होगा यहाँ से इसका सही। आगे है रीजनिंग का क्वेश्चन कि अनिल का रैंक 7th है फ्रॉम द टॉप एंड 26th है फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा, दोनों को प्लस कर देंगे 26 प्लस 7 एंड माइनस कर देंगे 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32 इसका आंसर आ जाएगा। 66 है आगे विच डिसीज कैन बी क्यूर्ड विद द मल्टी ड्रग थेरेपी, तो इसका ऑप्शन डी होगा लेप्रेसी। एंड 67 है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एट द कॉन्स्टिट्यूशनल डे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे हमारा 26 नवंबर होता है, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। आगे पूछा की सबसे ऊंची चोटी, तो ये है K2,
आगे है हमारे पास 69 हीराकुंड डैम, जो कि भारत का सबसे लंबा हीराकुंड डैम, लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इज विच ऑन द रिवर, तो ये बनाया गया महानदी के ऊपर, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट 70, जिसमें पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, तो ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। विच सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया, तो बैंगलोर, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। आगे पूछा गया 72 में हिमाचल प्रदेश बिकम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑन, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन डी होगा, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, पूर्ण राज्य बना था। आगे बोनसाई दैट इज आर्ट ऑफ ग्रोइंग मिनिएचर प्लांट्स, तो ये चीनी कला है, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है 74th, विद विच कंट्री इंडिया शेयर्स मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर, तो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, ये ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। विच स्टेट इन द इंडिया डिड ऑर्गेनाइज फर्स्ट ई लॉ का अदालत, तो फर्स्ट ई लॉ का अदालत गुजरात में किया गया था पहले, और उसके बाद चेन्नई में, बट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया ऐसा है, तो पता नहीं उनकी ऑफिशियल जो आंसर की होगी उसके अकॉर्डिंग वो कौन सा सेट करते हैं इसमें, अगर पता है तो आप मुझे बताना। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80th, जिसमें आपके पास पूछा गया है चूज द वर्ड दैट इज सिमिलर इन द मीनिंग ह्यूमिलिटी, तो इसमें ऑप्शन ए होगा मोडेस्टी। शाश्वत का विलोम, तो शाश्वत का विलोम नश्वर होता है। और नेक्स्ट है कि हमारे पास आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरा पूछा गया है, तो इसका मतलब होता है कि वास्तविकता का ज्ञान होना, ऑप्शन डी 82। एंड ऑप्शन जो 83 है, जो बहुत बोलता है उसे बाचाल कहते हैं, ऑप्शन ए। एंड ठ का उच्चारण स्थान ऑप्शन बी होगा, मुर्दा। एंड 85 है निराशा शब्द का संधि विच्छेद, तो ये विसर्ग संधि का यूज़ होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन पेपर, जो कि CSK यूनिवर्सिटी पालमपुर का JEE एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया अभी रिसेंटली 21 जुलाई 2021 को। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी होगी इन द फ्यूचर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।